दीपावली का उत्सव है, दीपावली का माहौल है, उत्सवों का माहौल है। शैलेश जी आपने बहुत अच्छा परिचय दिया, लेकिन मैं इतना जोर से नहीं बोल पाऊंगा। आप तो जानते हैं पतले वायर में से ज्यादा वोल्ट का करंट पास कर दो तो फॉल्ट होने का खतरा रहता है। लेकिन मैं परिचय अपना अपनी शैली में देने की कोशिश करता हूं। परिचय देखें कि जिस देश में एक डायबिटीज का मरीज नेता भी 50 करोड़ की शक्कर अकेला खा जाता हो, जिस देश के कई मास्टरों को दस्तखत करना भी नहीं आता हो, जिस देश में 80 बरस के बूढ़ों का दिल भी वैलेंटाइन डे पर मचलता हो, जिस देश में योजनाओं का जहाज भी भगवान भरोसे चलता हो, तो क्या उस देश में 42 किलो 300 ग्राम का सिंगल कवि देश का दिग्गज कवि नहीं हो सकता? भाई क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आप सबने मेरी बात का समर्थन कर दिया, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। उत्सवों का माहौल है, इसमें ठाके और जोड़ते हैं, स्वागत है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने? मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या? भगवान ने 2 बड़ी-बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चवाले, कौन सा फर्क पड़ेगा? कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी, तो हमने कहा, प्रिय प्राणों से प्यारी, हम तुम बने एक दूजे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के दिए? दुनिया हंसती है, उल्टा सीधा कहती है। वह जोर से चिल्लाई, दुनिया तो हर सही काम को गलत कहती है, पर मैं तो इतना जानती हूँ कि उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। अच्छा, कहा क्या जाता है, समझा क्या जाता है, सुना क्या जाता है? जी जी जी, मेरा पड़ोसी राधेलाल कल प्रातः काल महाराज के प्रवचन सुनकर आया तो झूम रहा था, शाम को देखा तो उसकी पत्नी को गोदी में उठाकर घूम रहा था। यह दृश्य देखकर मैं चीखा, चिल्लाया, मैंने कहा, राधे लाल, महाराज ने प्रवचन में क्या यही बताया? अरे पत्नी को गोदी में उठाकर घूमोगे तो ये तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगी। राधे बोला, ना, महाराज ने तो कहा है अपने दुख खुद ही उठाना सीख ले, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बहुत अच्छे। वे मेरी पत्नी, मेरा बेटा, पूरा 2.25 टिकट महाकाल बाबा के दर्शन करने गए। जी, बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है आपको जोड़ने का उपक्रम करता हूँ, सुने। स्वागत है। बेटे ने कहा, डैडी आज पहले दर्शन करने मैं जाऊंगा, 1 अठन्नी 2 भगवान जी को चढ़ाऊंगा। मैंने उसको 1 नहीं 2 अठन्नियां दी, साथ में हिदायत भी दी कि बेटा 1 अठन्नी भगवान जी को चढ़ाना, दूसरी वाली 1 अठन्नी से अपने लिए गुब्बारे खरीद कर लाना। बेटे ने कहा, डैडी आप टेंशन मत पालो, मंदिर के बाहर खड़े रहो, मेरे सैंडल संभालो, मुझे सब पता है, मैं 1 अठन्नी भगवान जी को चढ़ाऊंगा, दूसरी वाली 1 अठन्नी से अपने लिए गुब्बारे खरीद कर लाऊंगा। ये कहकर बेटे ने दोनों 1 अठन्नियां अपनी हथेली में दबाई। अच्छा, जैसे ही मंदिर की तरफ दौड़ लगाई, तभी 1 अठन्नी उसके हाथ से निकली और फिसलकर तालाब की तरफ जाने लगी। तब उस बच्चे के दिमाग में पता नहीं कौन सी बात जगी, फौरन मंदिर की तरफ हाथ उठाया, जोर से चिल्लाया, भगवान बात सच्ची और सही कह रहा हूँ, 50 सको तो पचा लो, तुम्हारी वाली 1 अठन्नी तालाब में जा रही है, बचाना हो तो बचा लो। आप सभी को नमस्कार करता हूँ, आपको डबल आदाब कि आपने मुझे उठाया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ईश्वर आपको उठाए। बात पैसों की है साहब, कल मेरे पास एक फकीर आ गया। अच्छा, मैंने उसे छूटते ही डायरेक्ट 20 का नोट थमा दिया। ओहो, बड़ा खुश हुआ, उसने आके फैला दी, बोले भाई साहब कुछ कम कर लो। मैंने कहा, नहीं नहीं 20 रुपये दूंगा ले जाओ। बोले कुछ कम कर लो साहब, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, नहीं 20 रुपये दूंगा ले जाओ। बोले साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले मैं भी 20 ही देता था। तो सर मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ, पिलपिले हो गए पर सिलसिला नहीं छोड़ा, जलील होते रहे मोर्चा नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे। के कुत्ता छोड़ दिए तेरे बाप ने मुझ पर, तेरी गली में मगर घूमना नहीं छोड़ा। ये महिलाएं और लड़कियां पता नहीं क्या क्या पहनती हैं, मेरे शेर में सुन ले और क्या क्या निकलता है।
कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे। अच्छा अब महबूबा की जुल्फों में हाथ फेर रहे हैं, देखिए कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे, जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए। गंजी निकली। बशीर बद्र साहब का एक बहुत मशहूर शेर है जी, कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा जी, 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 और जी। ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये शेर दरअसल पहले मैंने इससे पहले लिखा था। अच्छा। और बशीर साहब ने मेरे चुरा के अपना ये लिखा ठीक ठाक वाला। मेरा शेर क्या था ओरिजिनल, देखो मेरा क्या था, सुनाइए। कि मैं जब से खड़ा हूँ मेरी कम्मों पे नजर है, हाथों में उसके बाप का पत्थर नहीं देखा। और मारा है लात घूसों से मुझको कुछ इस तरह, तुमने मेरा सुखड़ा हुआ बिस्तर नहीं देखा। विधानसभाओं में आजकल क्या होता है आप जानते हैं, माइक चलते हैं, जूते चलते हैं, लात चलती है। तो एक सीन में आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी प्रदेश की विधानसभा का वो हो सकता है। तो विधानसभा के अंदर कैमरे लगे थे, महाभारत का चल रहा था सीन, एक विधायक को गिराकर मार रहे थे तीन तीन। नीचे गिरा विधायक बोला, अबे तुम तीनों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, देखो यार सीने पे चलकर मारने की नहीं हो रही है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इससे पहले मुझे टेंशन हो तुम तीनों मेरे सीने पे से हट जाओ। एक विधायक कोने में खड़ा हुआ रो रहा था, दूसरा उससे बोला भाई साहब बाहर तो आओ। वो रोते रोते बोला, पहले उस मोटे वाले विधायक से मेरी धोती दिलवाओ। पहली बार जीत कर आया विधायक बोला, भाई साहब ये राजनीति का काम बड़ा टुच्चा है, विधायक बनकर पिटने से तो बस में कंघी और सुरमा बेचना अच्छा है। एक विधायक तो बड़ी बुरी तरह से रो रहा था, अपने आंसुओं से कई विधायकों के कपड़े भिगो रहा था, बोले भाई साहब हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई, एक आंख पिछली विधानसभा के झगड़े में फूट गई थी, एक इस बार फूट गई। अब क्या करूं ज्यादा राजनीति के बारे में बोलकर, हर काम कर रहा हूं टटोल टटोल कर। वाह वाह वाह, सारा देश इस सीरियल को देख रहा था, विदेशी मीडिया भी हंस हंस कर आंखें सेक रहा था, आदमियत खो गई थी, इंसानियत मर रही थी, लेकिन आज की घटिया राजनीति अपना काम कर रही थी। क्या बात है, वाह 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 वाह।